दोस्तों, अगर आपको मैकबुक लेना है M1 वेरिएंट, जो नया एप्पल की सिलिकॉन चिपसेट है वो M1 में आता है, अगर अभी आपको नया लेना है तो मेरे एक सलाह रहेगा, अभी मत लीजिए। पूरा रीजन मैं आप लोग को बताऊंगा, क्या अपडेट है, नया मैकबुक क्या आ सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगेगा लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे पास है मैकबुक एयर M1, मैं ये 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया मशीन है, यहाँ पे मैं 2-2 चैनल इसके जरिए मैं चलाता हूँ, सारे वीडियो एडिटिंग से लेके जितना भी मल्टीटास्किंग वर्क है मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ मेरा मैकबुक एयर M1 के जरिए में। और बताना चाहूँगा, ये बहुत बढ़िया मशीन है, मतलब एंट्री लेवल का वर्क सारे काम कर लेता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो M1 वेरिएंट लेने के लिए, एक बजट सेगमेंट में जो आता है, मेरा एक सलाह रहेगा कि आप लोग 8 मार्च तक वेट कर लेना। इससे पहले मैं आप लोग को बता था, एप्पल की स्प्रिंग इवेंट मार्च 8 को कंडक्ट किया जा रहा है, होने जा रहा है मार्च 8 को, मतलब 8 मार्च तक अगर आप वेट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 3 नया मैकबुक रिलीज होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ये श्योरिटी के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लीकर्स यहाँ पे 3 नया मैकबुक रजिस्ट्रेशन किया गया है यूरोपियन मार्केट की डाटाबेस में। कभी भी कुछ भी एप्पल के तरफ से रिलीज होता है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वो हर कंट्री का डाटाबेस में उसको एंट्री किया जाता है। तो ऐसा यूरोपियन कंट्री में 3 मैकबुक की नया मॉडल नंबर के साथ यहाँ पे एंट्री किया गया है। हो सकता है आपको स्प्रिंग इवेंट में 3 नया मैकबुक देखने मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपको नया मैकबुक लेना है, लेना जरूर, बट वेट कर लेना मार्च 8 तक। और ये जो 3 मैक मशीन आने वाला है, ये हो सकता है मैकबुक एयर भी हो सकता है, या आई मैक भी हो सकता है, या मैक मिनी भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी मशीन अभी श्योरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता है, बट अगर आपको एक मैकबुक लेना है तो मार्च 8 के बाद आप खरीदना, क्योंकि हो सकता है M2 मैकबुक एयर रिलीज हो सकता है स्प्रिंग इवेंट में। अगर आप अभी ले जाएंगे तो कुछ नया अपग्रेड के साथ अगर आपको M2 देखने मिलेगा, मैकबुक एयर आपको पता होगा पूरा सारे रीडिजाइन होके निकल के आ रहा है, स्लिम बॉडी आ रहा है, अल्ट्रा थिन बेजल के साथ आ रहा है, और डिस्प्ले में भी कुछ चेंजेस आ रहा है, पोर्ट्स में भी बहुत कुछ चेंजेस आ रहा है मैकबुक एयर M2 के साथ। अगर ये रिलीज किया मैकबुक एयर M2 स्प्रिंग इवेंट में, तो आपको रिग्रेट हो सकता है अगर आप अभी मैकबुक ले लिए तो। तो यहाँ पे मेरा यही सलाह रहेगा, आप मार्च 8 तक वेट कर लेना, स्प्रिंग इवेंट कंप्लीट होने दीजिए। वहाँ पे आपको आईफोन SE भी देखने मिल सकता है, और यहाँ पे आपको iPad Air 5th generation भी देखने मिल सकता है, उसके साथ 3 मैक देखने मिल सकता है, बट ये सारे अकॉर्डिंग टू लीक्स एंड रूमर्स। अगर मैकबुक एयर M2 स्प्रिंग इवेंट में रिलीज करता है तो यहाँ पे मैकबुक एयर M1 जो है उसका भी प्राइस ड्रॉप देखने मिल सकता है। यही बोलना चाहूंगा, अगर आप वेट करते हो मैकबुक एयर M1 लेने में भी फायदा रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप होगा। अगर आप मैकबुक एयर M2 मिल जाता है तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रहेगा, आपका वेट जो होगा वो सफल हो जाएगा। तो वेट कर लेना, 1 महीना भी नहीं है दोस्तों, बहुत कम दिन, 20-25 दिन रखा है अभी, हो सकता है आपको कुछ नया देखने मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मैकबुक लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पे क्या फीचर्स है, मैंने ये M1 के साथ क्या मतलब फेस किया हूँ, 4K वीडियो एडिटिंग, फुल HD वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, सारे कंटेंट हमारे चैनल पे है, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।